5 किलो तो बढ़ेगा। ओ आंटी हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं गाइस सुबह अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के बज गए 6:30, मैं उठ गई हूँ। मैंने उठने के बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी चाय, मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है। अभी जो चाय देते जो रात को बर्तन धोए थे वो जो चाय देते हैं और मम्मी को उठा देते हैं। तो गाइस पहले कमरे की सफाई कर देते हैं दोनों कमरों की, फिर लेते फिर लेने जाते शावर। स्कूल में रेडी, स्कूल के रेडी भी होना है। फिर अपने मुकुल को उठा देते हैं। पहले मुकुल नहा लेगा, गर्म को नहला देगा, फिर मैं नहा के फटाफट स्कूल में चलते हैं, आपको मिलते हैं। तो गाइस मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और मुकुल भी हो गए रेडी। यहाँ पे हो गए भाई रेडी। हाँ। आज तो बाहर नहीं बनाता स्कूल में, यहाँ पे मम्मी बना रही है सुबह का नाश्ता। रास्ता क्या रही नाश्ता, मैं कह रही मम्मी मम्मी बना रही सुबह का रास्ता। मुकुल ने बनाया बना लिया बना। हाँ कल मेरे को तीसरी बेल में थर्ड बेल में बुला रहा गाइस, कहते दीदी लंच बॉक्स चाहिए। मैंने नहीं चाहिए, कहते मैं घर, मैं इसलिए कहा था दीदी लंच बॉक्स ले ले मैं घर जा रहा हूँ। और आपको क्या कहता है आके, मैं दीदी को बता के आया हूँ, मेरे को तो नहीं बता के आया। मेरे को तो नहीं सुना था गाइस, मेरी क्लास में मैडम थी इसलिए आया नहीं, ना ये बता के गया। मेरे को तो रिसेस के टाइम पता चला था। तो गाइस नाश्ता बन गया और बच्चे स्कूल चले गए, झाड़ू लगा दी है। धूप आपको दिख रही है, कड़कदार धूप आई हुई है। अभी करूंगी बर्तन और गोलू को मैंने दिलवा दिया है एक नया काम, क्योंकि वो रोज इतना क्या करता मम्मी काम दिलवा दो काम दिलवा दो, तो मैंने आज इसको एक नया काम दिलवा दिया है, घर पे बैठे ही करना है। तो गोलू को काम मिला है चप्पल धोने का, ये देखो। हाँ जी सर। यस मैम, तो आपकी चप्पल हमने धो दी है, एकदम ओके होनी चाहिए। 1000 रूपए एकदम ओके होनी चाहिए। 1000 रूपए हो गए फिर। एक डायलॉग है गोलू, तू तो ना वो किसी ने मारा था चप्पला का, पॉलिश करेगा ब्रांड को करके पॉलिश करियो, ब्रांड में मारा था किसी ने डायलॉग पर मेरे याद नहीं है। तो आज गोलू ने ये काम शुरू कर दिया है ना गोलू। ना बता दिए, मैं तो नौकरी लगूंगा। अच्छा आज मेरा पेपर है 11 बजे का। हाँ पेपर 11 बजे का, तैयारी कर ले। तैयारी कर लो जिक्के की, तैयारी कर ले जिक्के की। तो गाइस इसका आज पेपर है, इसने फॉर्म भरा था। किस चीज का फॉर्म भरा था गोलू? एयरपोर्ट का फॉर्म भरा था। 11 बजे पेपर है, पेपर ऑनलाइन देना है, तो गोलू आज देगा पेपर। तो बाद में देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स रहेगा। अरे गोलू ने क्या का फॉर्म भर रखा है? एक रेलवे का फॉर्म भर रखा है, वो तो 10वीं बेस पर था जिसने पहले भर दिया था रिजल्ट आने से पहले ही। तो फटाफट से लिक्विड बनाया गोलू ने, ये लिक्विड बंद करके अंदर रख देते है ना, ये चप्पल धोने धोने मैंने पूरा फिनिश कर देगा इसको। देखो जी मैम आपकी चप्पल दिखाओ जी सर। ये देखो मुझे देखो सड़े कर दिए मेरा, कितने एक चप्पल मरवा होगा। ये देखो अभी चप्पल। हाँ सही कर दी मैं मेरी चप्पल ना। तो गाइस मैं मेरी चप्पल ना मुकुल को कभी भी नहीं दूंगी, उस ना चप्पल रखने का कुछ भी रखने का 1% भी नहीं। अगर मिट्टी पड़ी है ना तो जड़ कर उसमें मिट्टी में पैर मार कर चल लगा। क्या चमका दी मैंने मेरी भी, मैं तो टूट गई चप्पल गाइस, नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं मेरे पर भी चप्पल को नहीं दे, कल मैंने जिट्टू डाल दी थी। फिलहाल मैंने अपना एग्जाम दिया है, मेरे को 11 बजे एग्जाम सबमिट हो गया था 11 बजे, और 1 घंटे का टाइम था, सिर्फ मैंने 5 मिनट रह थी जब ये एग्जाम कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मम्मी जी कर रहे तुरपाई है, मम्मी बताना तुरपाई करूँ बेटा, और मतलब देखो थी तू किस तरह पेपर कर रहा है ऑनलाइन कैसे करते, देख लिया देखी। मैंने भी पहली बार ऑनलाइन पेपर दिया है, फार्म भरते रहो कुछ फायदा नहीं है ना, फार्म भर दो क्या था भगवान कहाँ पे क्या कर दे है ना। मैं भी रोज एग्जाम देना शुरू करना पड़ेगा मैंने भी। हाँ। लोग क्वेश्चन ज्यादा करने लगे, बात ज्यादा ठान लगे, तो आंसर तो मैंने देना पड़ेगा, ऑनलाइन देना पड़ेगा। ना सुबह का अब ब्लॉग स्टार्ट करेगा, क्योंकि गर्मी के कारण हालत खराब हो गई थी मम्मी की, है ना मम्मी? मेरी खुद देखना गर्मी गर्म नहाया भी नहीं सबेर का, पानी खत्म और मुकुल और हम जा रहे अब कैन नहीं भर रहे पानी पी। मशीन लगा रखी है लेकिन मशीन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं है 2 दिन से। मुस्कान झाड़ू झूड़ू ना मार, क्योंकि मुस्कान झाड़ू झूड़ू ना मार है, आवा तूने निकाल दी, पंप भी तोड़ दिया, मैंने तोड़ा पंप भी तोड़ दिया, ये तो कभी देखा ही नहीं इसने। तो गाइस अभी कुछ ऐसे यहाँ पे लाइट आ गया, हमने मशीन लगा रखी है, अभी हमने सारे वो टब वगैरह भी सारे भर दिए है, और यहाँ पे मम्मी कर रहे बर्तन। हमने सब्जी बना लिया, आपको दिखा देते सब्जी में क्या बने। 2 सब्जी बनी आज, ये तो छोले की, और यहाँ पे बन रहे हैं करेले। आपको कैसे दिखा, ये यहाँ पे करेले बन रहे हैं। अब अभी अब कपड़े धो लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस हम आज कर इधर सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे 2-4 भाई भी आ गए, तो हम सभी एक्सरसाइज करने में व्यस्त हैं।
तो आप भी घर पे एक्सरसाइज करा करो। भाई इसमें कुछ है क्या, है? क्या मिल गया? फटाफट मम्मी ने बुला के लेकर। आंटी चांदी मिला वहाँ पे, उल्टी टी शर्ट पहले अनुका सोना चांदी मिला। लॉटरी दिखा तो फिर लॉटरी। हमारी बात तो मारा खड़ा में नकली है, मारा खड़ा चांदी की है, नकली के चीज बस चांदी समझ जो समझ। हाँ ले बस समझ। तो गाइस मैं धोखा देख दी हूँ, है तो नकली, फिर बड़का की मन की कर देते हैं क्योंकि चांदी तो मैंने देखे ही घने दिन हो गए। वैसे चांदी की अंगूठी डाल रखी है, अब की बार मैंने ना एक मुस्कान की विश पूरी करनी है। मैं तो वैसे ही नकली डाल देती हूँ, पर एक बार ये धो के चेक करती है क्या क्या। तो गाइस अभी ना मम्मी ने जो पाइल मिली थी ना वो चेक करे धो के कि चांदी की है नकली है। सही बात है ना मम्मी? सही बात, देखा भाई पूछ लेंगे जिसने जो पहले रहे थे उन पूछ लेंगे, जिसका मकान है उतना पूछ लेंगे। हाँ किसी गुम हुई होगी चांदी की हुई तो, वैसे मेरे हिसाब से तो ना मेरे को नकली दिख रही। देख लो चेक करके एक बार, असली चांदी है हमारे अखाड़े में, नकली कौन है भाई? मेरे को तो देखो नकली दिख रही। कैसा पता चलेगा? देख लो काली हुई तो कोनी तो गाइस ये है, पता नहीं मेरे को तो क्या क्या नहीं, मैं तो समझ से बाहर। तो गाइस अभी वापस से लाइट चली गई है और भाई और पीछे कर रहे हैं वर्जिस। यहाँ पे मम्मी को भूख लग रही थी, मैंने मम्मी को खाना डाल के रात का डिनर डाल के दे दिया है, साथ में मैं भी कर लेती हूँ और ना मेरे को वापस करना वो बाद में करना पड़ेगा। क्यों थोड़ी हास्या करे, खून पता मेरा बदन लग गया कितना बढ़ गया, 5 किलो तो बढ़ेगा। ओ और के गंदगी तो बाहर निकलगा, कौन बढ़ना शुरू होगा। अच्छा गाइस 3 दिन हो गए ट्रांसफार्म में, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लाइट ने इतने परेशान कर रखे हैं। पहले ना तो कुछ टाइम आ जाया कर दी, 3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं, अरे बस इतना इन्वेटर चलू गया। अरे देख रहा मैं धोबी घाट लगा रखे हैं, धोबी घाट ये रहा। बुधवार और शनिवार को कपड़े धोते हो, बुधवार वाले आपको वीरवार को दिखते हैं, फिर अगली बार फिर दिख जाते, फिर आप कहते हो इतने सारे कपड़े क्या करेगा इसे। यहाँ पे 2 जोड़े तो पैर नहीं पड़ा, बच्चे सवेरे स्कूल जाते हैं ड्रेस डालते हैं, फिर उसके आने के बाद फिर रात को एक बार फिर नहाते हैं, जब फिर पसीने वाले डाल देने जाते क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी मिट्टी वगैरह भी है इसलिए। और आज मेरे ऊपर ना बहुत बुरी कर रखी है बच्चों ने, मैं सुबह नहाई नहीं, मैं कहा ना पानी आए लाइट आएगी, लाइट आने के बाद पानी चलवा के फिर नहाऊंगी, लाइट आई ही नहीं पूरा दिन, लाइट आई पानी आया तो मैं मशीन पर लग गई, मैं कहा पहले कपड़े धो लूँ फिर नहाऊंगी, फिर रात में नहा सो गई। गैस मम्मी ना कपड़ों की बचत करती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, कपड़े धोते सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी के हो जाते हैं, जो धोते हैं वो तो होते होते हैं, जो डाल रखे होते हैं वो भी हो जाती है, इसलिए मम्मी आज नहाई नहीं। फिर सफाई करो पूरी है ठीक है, इतनी मिट्टी भी नहीं होती। तो गाइस आप भी ना करेले खा लो, गाइस मम्मी रोज के रोज करेले बना के रख देती है, क्या शौक हो रहा है मम्मी को करेले खाने का। ये फरीके थोड़ी आ रहे हैं खराब हो जाएंगे, रुपया क्या रहा है मन कद गया फ्री का रहा, मेरे बैंक खोल रखे बन है ना, और ले रखी सब्जी तो रखी होगी, वह तो बनानी पड़ेगी, या तो आलू या दाल या करेले। अब तो करेले भी बहुत दिन हो गए, परसों परले दिन भी बनाया था, परसों परले दिन बनाई थी ने? हफ्ता होगा हफ्ते बाद फिर बना लिए, इसको भी 3-4 दिन चलाएंगे फिर और आ जाएगी पड़ोस के। झूठ बोल रही है, देख लो मैंने इसके लिए ना छोले भेजे कल गोलो के लिए, वो शायद इसने खाने के लिए कोई बात नहीं सब्जी खा ले।